Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. खंडेराव का बचपना है गुनु जी की कामयाबी की सीढ़ी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। खंडेराव जो अब इस समय अहिल्या को लेकर बड़े चिंतित हैं, वो सब भूल चुके हैं, राजपाट सब भूल चुके हैं और यही बात गुनु जी भांप चुके हैं। इसीलिए उनकी मैक्सिमम कोशिश है कि खंडेराव दरबार जाए ही नहीं, और ये जो अभी अभी हमने देखा कमिंग अप में वो भी इसी का हिस्सा है। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों गुनु जी जो अपनी जो कोशिशें कर रहे हैं एक एक करके सीढ़ी चढ़ना, अब तो छलांगे लगाने शुरू कर दी है उन्होंने, वो कोशिशें कैसे कामयाब हो रही है, कौन कर रहा है गुनु जी की कोशिशों को कामयाब? खुद खंडेराव। खंडेराव सोचते ही नहीं है, अगर किसी ने कुछ कहा खंडेराव भागे भागे जाएंगे, तो ये जो सोच है किसी बड़े सूबेदार की नहीं हो सकती है, किसी शासक की नहीं हो सकती है। जैसा हमने कमिंग अप में देखा, पूरा एपिसोड देखेंगे, मगर कमिंग अप में ये दिख रहा था कि जैसे ही गुनु जी ने एक इंसान को अपॉइंट किया कि तुम जाके खंडेराव को ये बताओ कि वो जो जहर देने वाला लड़का था वो वहां पे देखा गया है, खंडेराव फटाफट उस बात पे बिलीव करेंगे और भागे जाएंगे, ये गुनु जी ने सोच रखा था और वही हुआ। और गुनु जी को सारा अधिकार दे देंगे, जाओ तुम अपना मैं तुम पे भरोसा करता हूं, आप करो गुनु जी बाबू जी, आप करो सब फैसले। गुनु जी को तो थाली में खंडेराव दे रहे हैं राज सियासत। अब ये जो चीजें हैं इसमें सिर्फ एक ही चीज मैं बार बार बोलती आई हूं, बोलती रहती हूं, क्योंकि ये गुनु जी कामयाब तभी हो रहे हैं क्योंकि खंडेराव कमजोर है। अहिल्या देवी के सामने गुनु जी की चलती ही नहीं है। अब अहिल्या देवी को जब इस बात की भनक लग चुकी है गुनु जी के बारे में, अब तो उनकी संतान तक पहुंच गए हैं गुनु जी, अब अहिल्या देवी को जरूर कदम उठाने चाहिए। अब पार्वती को भूल जाना चाहिए, पार्वती को जो करती है करने दे, पार्वती को सुधारना अहिल्या देवी का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अब उनका लक्ष्य खंडेराव की तरफ होना चाहिए क्योंकि बाबा साहेब नहीं है। तो ये गुनु जी की कामयाबी के ऊपर मैंने जो आपसे पहले शेयर किया, अभी भी वही उसी पॉइंट पे हूं मैं, क्योंकि ये सिर्फ कामयाब हो रहे हैं क्योंकि खंडेराव कमजोर है, वीक है, और खंडेराव अपनी वीकनेस को समझते नहीं है, वो गुनु जी के हाथों का खिलौना बन के जैसा गुनु जी नचा रहे हैं वैसे नाच रहे हैं। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिए, देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.